आया हमारे कुटुंब आया बैठाया, आप बैठे बैठे सब काम छोड़ छाड़ के गप सप कैसे हैं तैसे हैं ऐसे है तैसा है ये सब नहीं। कभी कभी गुरु सेवा में रहकर तो व्यावहारिक दृष्टिकोण में भी आना पड़ता है लोगों से, और जैसे एक यानी आश्रम के भाव से रहें तो जैसे घर में जिस तरीके हाँ, से हाँ, थोड़ा व्यवहार में कभी आना पड़ता है, संसार जीवन में भी व्यवहार में थोड़ा आना पड़ता है, लेकिन वो व्यवहार कितना जितना जरूरत है उतना, उससे अधिक नहीं। व्यवहार माने गपशप नहीं, आया हमारे कुटुंब आया बैठाया, आप बैठे बैठे सब काम छोड़ छाड़ के गप सप कैसे हैं तैसे हैं ऐसे है तैसा है ये सब नहीं। जितना जरूरत है उतना व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य रहेगा हमारा जो ज्यादा इसमें लिप्तता नहीं आनी चाहिए, है ना, ऐसी भावना लेकर के करना चाहिए। कभी कभी मजबूरन वही तो मजबूरी से उतना ही करना पड़ेगा हमको, और विशेष करके साधु के लिए तो और ज्यादा, साधु के लिए और ज्यादा देखना चाहिए। हमारा एक एक पल एक एक क्षण हमारा बीता ना जाए, कोई आया है उसको, और साधु आश्रम में तो साधु संत ही आते हैं, गृहस्थी आने से हमको क्या लेना देना है, आए हैं आए हैं सम्मान करना, आइए आइए लीजिए प्रसाद लीजिए, अच्छा भैया ठीक है फिर आइए हो गया, तो क्या उन्होंने पैसा वाला है उनको खातिर करो बैठाओ, आहा ये तो बहुत पैसा है इनको खातिर करने से हमको कुछ धन मिलेगा, ऐसा भावना होगा तो तुम्हारा तो बंधन तो तुम तो पहले ही स्वीकार कर लिया, अपने को ठगा रहे हो, ऐसा ठग बुद्धि होने से होगा नहीं है। वो तो बात ठीक है, लेकिन 5 मिनट तो हमारे गए गए क्या, उतना तो हम तो उतना करना पड़ता है आश्रमिक जीवन में, जितना कम से कम वो भी भक्त हो तो अच्छा है, वैष्णव आते हैं तब तो कोई बात नहीं है, साधन गृहस्थी आते हैं धन्यवाद भाई लीजिए प्रसाद लीजिए बस हो गया बस इतना तो करना पड़ता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता जी। है ना, गृहस्थी के लिए भी ऐसे ही जितना व्यवहार मुक्त हुआ जाए उतना ही अच्छा है, उतना मंगलप्रद होगा आपके भजन जीवन के लिए, उतना ही मंगलकारी होगा। थोड़ा सा कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा, कायिक वाचिक मानसिक तीनों।